फिलहाल चलते हैं बूंदी की ओर। आपको बड़ी खबर बताते हैं, 163 सक्रिय बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की 151 टीमों ने यह कार्रवाई की है। 527 थानों पर दाबिश देकर गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। आर्म्स एक्ट, शराब तस्करी, एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। और आपको बताते चलें कि एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो बूंदी में 163 सक्रिय बदमाश जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 151 टीमों को गठित कर पुलिस ने कार्रवाई की है। 527 थानों पर दाबिश देकर गिरफ्तारी हुई है। आर्म्स एक्ट, शराब तस्करी और एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। और डोमिनेशन ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई जो है की गई है। स्थानों पर दाबिश देकर किया गया है गिरफ्तारी। ये पूरी गिरफ्तार आर्म्स एक्ट, शराब तस्करी, एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन प्रहार के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। 163 सक्रिय बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने 151 टीमों का एक गठन किया था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। और 527 जगह पर दाबिश देकर यह गिरफ्तारी हुई है, एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन प्रहार के तहत। हमारे साथ हमारे संवाददाता सलीम जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सलीम, ये पूरा मामला क्या है? हम जान रहे हैं आर्म्स एक्ट, शराब तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला बताइए, आखिर पुलिस इन तक पहुंची कैसे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान पुलिस द्वारा लगातार जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान का नाम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन प्रहार दिया गया है, इसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है बूंदी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बूंदी पुलिस की करीब 151 पुलिस टीमों ने 527 स्थानों पर दबिश देते हुए करीब 163 के आसपास अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के अंदर आर्म्स एक्ट के अपराधी शामिल है, शराब तस्करी के आरोपी शामिल है, साथ ही जो मादक जो पदार्थ है उसकी तस्करी के आरोपी शामिल है। इन सबको गिरफ्तार किया गया है। इससे बड़ी मात्रा के अंदर जो सामग्री भी बरामद की गई है, इनसे पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के बाद जो अपराधियों में जो है हड़कंप मच गया है और इन सबको गिरफ्तार करके बूंदी के अलग अलग स्थानों पर लाया गया है, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में बात की जाए तो अब तक पुलिस जो है जो अलग अलग कार्रवाई बता रही है, और उनका कहना है कि इन सभी कार्यों में करीब करीब करते हुए जो है 535 के करीब जो है समग्र कार्रवाई की गई है। सलीम, क्या कुछ बरामद किया गया है इन गिरफ्तारी के बाद? कुछ बरामद किया गया है? क्या कुछ बरामद किया गया है, उसके बारे में जरा अपडेट दें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर शराब के करीब करीब जो है 4 आरोपियों को, बड़े आरोपी उनको गिरफ्तार किया है। इनसे बड़ी मात्रा के अंदर जो शराब बरामद की गई है। इसी प्रकार जो है एनडीपीएस ने जो अवैध मादक पदार्थ है वो भी बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। साथ में जो अवैध आर्म्स एक्ट है उसमें इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। करीब इस मामले में करीब पुलिस ने 6 प्रकरणों को दर्ज किया गया है, और बड़ी मात्रा के अंदर जो यहाँ पर हथियारों को भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन मामलों में जो है आरोप जो अपराधी पकड़े गए उनसे पूछताछ की जा रही है और इनके ठिकानों पर जल्द से दबिश दी जाएगी। जी, उनका ये भी कहना है कि साथ में जो अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही हड़कंप मच गया है। जी जी सलीम, धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।